अगर आप अभी 20,000 के अंदर ना कोई फोन लेने का सोच रहे हो तो मैं आज आपको ना बेस्ट 3 फोन्स बताने वाला हूँ कि आप जिस प्राइस पे लोगे ना आपको प्योर वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरे को लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा वो है आपका CMF फोन 1। अब ये फोन जो था 16,000 का लॉन्च हुआ था और अभी इस सेल पे ना आपको ये 13,000-14,000 का मिल जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है ना कि ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि ये सबसे पावरफुल फोन है अपने प्राइस सेगमेंट में। इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 7300 मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल मिलता है जो कि 2000 निट्स तक ब्राइटनेस में जा सकता है, तो आपको इजिली बाहर विजिबल भी रहता है। और अगर मैं यहाँ पे कैमराज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सिंगल कैमरा ही बोलूंगा, दूसरा कैमरा इतना यूजफुल नहीं है, जो कि सोनी का कैमरा रहने वाला है और बहुत ही अच्छे इमेजेस आ जाते हैं अगर आपको नेचुरल इमेजेस पसंद है, स्पेशली जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें आपको 2x का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो अच्छा इमेज क्वालिटी भी आ जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है ना CMF फोन का वो ये है कि आपको बिल्कुल क्लीन सॉफ्टवेयर मिलने वाला है जो कि कोई भी फोन प्रोवाइड नहीं करेगा इस प्राइस सेगमेंट में। और इसके अंदर आपको 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, तो वहां पे भी कोई कमी नहीं है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको 5000mAh बैटरी मिल जाता है और 33W का सपोर्ट है। बट कमी क्या है, फोन में क्या चीज इतनी अच्छी नहीं है? सबसे पहला, आपको इसके अंदर बॉक्स में जो है चार्जर नहीं मिलेगा, तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसलिए अराउंड 20K के ही आसपास आ जाता है अगर आप चार्जर अलग से लेते हो। और कैमरा में ना OIS का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे हाँ आपको लो लाइट में थोड़े से शेकी इमेजेस आ सकते हैं। अब दूसरा फोन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये आता है OnePlus की तरफ से Nord CE3। अब आपको लगा यार Nord CE3 तो 27 का होता है, ये अंडर 20K में कैसे? तो देखो अभी जो सेल पे ये 16,000 का मिल रहा था, लेकिन अगर सेल ना भी हो तो ये फोन आपको अंडर 20K मिल जाता है। अब क्यों ये फोन इतना ज्यादा अच्छा है इस प्राइस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपको Snapdragon का 782G चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि स्टिल बहुत ही अच्छा पावरफुल चिपसेट है क्योंकि 7 लाख के करीब Antutu स्कोर आता है। और स्टिल UI में बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा क्लीन मिलता है, एकदम क्लीन नहीं बोलूंगा, CMF यहाँ पे अहेड है बट स्टिल ज्यादा एप्स नहीं है। आपको यहाँ पे भी एमोलेड पैनल मिल जाता है 120 हर्ट्ज का, बस ब्राइटनेस जो है ना उतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं रहेगी, बट मेरे को लगता है स्टिल ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा, इजिली विजिबल रहता है। और यहाँ पे आपको कैमरे में ना एक चीज अच्छा है कि आपको अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है, बाकी जो दूसरे फोन से आजकल इस सेगमेंट में वो चीज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 है, तो ऐप ओपनिंग जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और डे टू डे यूज हो या फिर गेमिंग, इवन गेमिंग में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो वहां पे भी आपको निराश नहीं करेगा। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 5000mAh बैटरी है और आपको 80W का सपोर्ट मिलता है और बॉक्स में चार्जर केस ये सब मिल जाएगा, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं है। क्या चीज इसकी इतनी अच्छी नहीं है कि इसके अंदर ना आपको बस स्टिल सिर्फ एक OS का और 2 साल का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है, जो कि बाकी फोन्स होंगे वो आपको 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी पैच देंगे क्योंकि इसके अंदर एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट आ चुका है। बाकी देखो डिजाइन की बात करें तो मेरे को फोन जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कलर स्पेशली बहुत ही प्यारा लगता है आपको, और हैप्टिक्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्टीरियो स्पीकर्स है। क्या चीज इतनी अच्छी नहीं है कि जो कैमरा है ना मेरे को लगता है उतने वाइब्रेंट पिक्चर नहीं लेता, स्पेशली जो डायनेमिक रेंज लगा मुझे हल्का सा लैकिंग लगा, बट स्टिल जो इमेजेस हैं पोर्ट्रेट्स हैं वो भी काफी अच्छे ले लेगा, बट आपको 2x का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा लेकिन OIS का सपोर्ट है, इसलिए मेरे को लगता है ना स्टिल OnePlus Nord C3 काफी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अंडर 20K अगर आप OnePlus का फोन देख रहे हो, क्योंकि जो Nord C4 Lite आया है आई थिंक उससे ये फार बेटर है। अब तीसरा फोन है IQOO का Z9S। अब ये फोन जो था 20,000 का लॉन्च हुआ था और अभी आपको जो है कूपन और कार्ड डिस्काउंट लग के 17-18,000 तक का मिल जाएगा। अब इस फोन की मैं अच्छी चीजों के बारे में बात करूं, सबसे पहले फोन मेरे को बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, इसका डिजाइन आई थिंक काफी मॉडर्न है, सामने आपको जो है कर्व पैनल मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये भी एमोलेड पैनल है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, स्टीरियो स्पीकर से मिल जाते हैं, हैप्टिक्स ओके है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर भी आपको डायमेंसिटी 7300 मिलता है जो कि CMF फोन 1 में था। अब ये फोन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, गेमिंग में काफी अच्छे से परफॉर्म करता है ये। क्या चीज इतनी अच्छी नहीं है कि यहां पे जो है आपको एक्स्ट्रा एप्स मिल जाएंगे और उनसे जो है नोटिफिकेशन भी आते हैं, वो चीज मेरे को लगा कि आई थिंक हमें पता है कि इस प्राइस में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, बट क्या चीज जो है इसका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट में वो है कैमरा। यहाँ पे आपको सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिलता है, OIS का सपोर्ट भी है, दूसरा कैमरा वो इतना काम का नहीं है, लेकिन जो इससे जो इमेजेस आते हैं ना मेन कैमरा से यार वो बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ही प्लेजेंट आते हैं, वाइब्रेंट है काफी इमेजेस। यहाँ पे आपको डायनेमिक रेंज काफी अच्छा मिल जाता है, इवन लो लाइट में मेरे को लगा इसने अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ना काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो कैमरा अगर आपको चेक यार बहुत ही अच्छा मिल जाए तो मेरे को लगता है कि IQOO Z9S काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पे आपको 5500mAh बैटरी मिल जाती है तो इजिली आपका 1 से 1.5 दिन तो चलना ही चलना है, और आपको 44W का चार्जिंग का सपोर्ट है, बॉक्स में चार्जर
चार्जर भी है, तो उस एंगल से ना मुझे कहीं से भी इसके अंदर इतनी कोई कमी नहीं लगती है। अब बाकी अगर देखो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, तो एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है तो अपडेट्स में भी चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो ओवरऑल ये फोन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में तो। और अगर यहाँ पर मैं डिस्प्ले की बात भी करूँ तो बहुत ही अच्छा पैनल है यार, ईजिली बाहर विजिबल रहता है, कर्व पैनल है तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल सामने से भी ना फोन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, कोई भी अगर आप कॉन्टेंट देखोगे ना आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो बात करें कि यार इन तीनों फोनों में अगर मैं बोलूं कि बेस्ट फोन कौन सा है तो वो ना बोलना मेरे हिसाब से बहुत ही टफ होगा कि हर एक यूजर की अपनी स्पेसिफिक नीड होती है उनके हिसाब से कि उनको क्या चीजें चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए अंडर 20 के तो वहां पे आई थिंक iQOO Z9S बेस्ट ऑप्शन है। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए कि हाँ यार मेरे को कम बजट में भी ना बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाए, किसी भी चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो आई थिंक CMF फोन 1 जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू चाहिए कि हाँ मेरे पास एक अच्छे ब्रांड का फोन हो और मेरे कोई भी डे टू डे यूज हो या फिर कैमरा कहीं से भी कोई इतनी कमी ना लगे और अपडेट्स का इतना दिक्कत नहीं है, तो वहां पे मेरे को लगता है कि OnePlus Nord CE3 काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट फोन लगा या फिर आपको लगता है कोई और फोन भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।